Good morning, students. So let us start. Page number sixty-two of chapter five, shapes and design. Now here is some triangles. How many triangles are there in the following figures? Now the figure, three figures are given, and you have to find the total number of triangles. So count these triangles. First of all, we count small triangles. So, we count small triangles count This is one, two, three, four. फाइव सिक्स सेवन एट तो स्मॉल ट्राइ आपके पास कितनी आ गई एट आ गई नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू काउंट द बिगेस्ट ट्राइ अब आपने बिगेस्ट ट्राइ को जो है वो आपने काउंट करना है सो दिस इज नाइन एंड दिस ट्राई एंगल टेन नाओ दिस ट्राइ एंगल टू और सेवन नंबर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आपके पास कौन सी ट्राइंगल बनेगी इलेवन हो जाएगी अब आपने थ्री और सिक्स को कंबाइन करके ट्राइ एंगल बनानी है क्लियर तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइ एंगल्स कितनी आ गई ट्वेल्व सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइ एंगल इज ट्वेल्व नाउ नेक्स्ट फिगर यू हैव टू काउंट स्मॉल ट्राइंगल्स सो काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो स्मॉल ट्राइ एंगल्स आपके पास कितनी आ गई एट नाउ काउंट द बिगेस्ट ट्राइ एंगल अब आपने बिगेस्ट ट्राइ एंगल को काउंट करना है तो वन और टू को कम्बाइंड करके आपके पास क्या बन गई एक ट्राइंगल बन गई सो दिस इज नाइन थ्री और फोर को कम्बाइंड करके आपके पास ट्राई एंगल बनती है ठीक है तो ये टेन होगी आपके पास अब आपने वन और थ्री को काउंट करना है तो आपके पास इलेवन ट्राई एंगल नाव टू प्लस फोर इस ट्राइ को कंबाइन किया तो आपके पास कितनी आ गई है ये ट्राइंगल्स नाउ द टोटल नंबर ऑफ ट्राई इज ट्वेल्व नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू काउंट द बिगेस्ट ट्राइ आप फिगर में देख सकते हैं कि एक आपकी ये बिगेस्ट ट्राइ बन रही है ये वाली ट्राइंगल ठीक है तो ये आपकी क्या आ गई थर्टीन ट्राइ और वन मोर ट्रायंगल एंगल एक और भी आपकी ट्रायंगल एंगल है तो वो कौन सी ट्रायंगल हुई आपकी ये वाली नेक्स्ट एंगल दैट इज दिस ट्रायंगल एंड दिस इज फिफ्टीन ओके सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल एंगल इज फिफ्टीन आपके पास कितनी बन गई ये ट्रायंगल्स एंगल फिफ्टीन ट्राइ एंगल्स जो है वो बन गई क्लियर नाउ नेक्स्ट फिगर यू हैव टू काउंट द स्मॉलनेस ट्राइ एंगल सबसे पहले आप स्मॉलनेस ट्राइ एंगल को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो आपके पास स्मॉलनेस्ट ट्राइ एंगल जो है वो कितनी बनेगी नाइन अब आप इसमें से बड़ी ट्राइ एंगल ढूंढेंगे तो कैसे करेंगे वो आप आफ्टर नाइन दिस ट्राइ एंगल इज टेन ओके ंगल इज इलेवन ये आपकी इलेवन आ गई एंड दिस इज ट्वेल्व तो ये आपके पास कितनी बन गई ट्वेल्व अब आप स्टूडेंट्स इसमें और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक और बड़ी सी ट्राइ एंगल बन रही है ये आउटर वाली जो सबसे बड़ी है ओके सो द टोटल नंबर ऑफ ट्राइ एंगल इज थर्टीन क्लियर क्योंकि आपके पास एक सबसे बड़ी है नाइन सबसे छोटी है तो टेन बन गई और थ्री जो है वो मीडियम साइज की बन रही है तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइ इज थर्टीन नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल्स इन द फिगर्स गिवन बिलो अब आपने नीचे जो फिगर्स गिवन है उसमें आपने बिगेस्ट रेक्टेंगल जो है वो फाइंड करनी है जैसे फर्स्ट फिगर में आपके पास ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है जो बिगेस्ट रेक्टेंगल बन रही है वो ड्रॉ है सेम वैसे ही आपने बाकी के इसमें भी जो है वो ड्रॉ करनी है क्लियर तो वो कैसे आप ड्रॉ करेंगे आपने ड्रॉ करने के बाद जो है वो बॉक्सेस जो उसके बीच में बनने हैं वो बॉक्सेस जो आपने काउंट करने हैं क्लियर सो अस स्टार्ट अब इसमें आप काउंट कर सकते हैं रेक्टेंगल सबसे पहले आपने बनानी है ये वाली आपकी रेक्टेंगल बन गई ठीक है नाउ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सिस आपने बॉक्सेज काउंट करने हैं तो बॉक्सेज जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट आपके ऊपर है एट नीचे हैं ठीक है तो टोटल कितने हो गए सिक्सटीन बॉक्सेज आपके पास आ गए क्लियर अब आप इसमें देख सकते हैं कि और भी आपके पास रेक्टेंगल बन रही है जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल बन रही है तो इसमें आपके पास कितने बॉक्सेस हैं तो टोटल तो काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स एक तरफ सिक्स दूसरी तरफ तो टोटल तो बन रहे हैं ट्वेल्व तो आपकी कौन सी बिगेस्ट हुई आपकी ये पर्पल वाली जो है वो बिगेस्ट हुई तो यही आपने स्टूडेंट्स ड्रॉ करनी है मैंने दूसरी इसलिए ड्रॉ कर दी ताकि आप प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें क्लियर है नाउ नेक्स्ट इज इन दिस रेक्टेंगल द बिगेस्ट अब आप बिगेस्ट जो है वो बनाएंगे इसमें तो बिगेस्ट रेक्टेंगल आपने बनाने के बाद फिर ये काउंट भी करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो कितने हैं क्लियर तो ये आपकी बन गई काउंट करें बॉक्सेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट आपके एक तरफ है नीचे की तरफ देखें कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव नीचे की तरफ आपके क्या है फाइव है तो यानी कि आपके पास कितने हो गए इसमें so जो है वो आपके बन रहे हैं क्लियर ये लास्ट वाला नहीं बेटा आपने लेना है ये वाला जो है ये वाली आपने लाइन नहीं लेनी है क्यों क्योंकि यहाँ ऊपर आपकी प्रॉपर जो है वो रेक्टेंगल नहीं बन रही है क्लियर ना यू हैव टू मेक अनदर रेक्टेंगल अब आप इसमें दूसरी भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं जैसे ये आपने ड्रॉ कर दी अब आप जब ये ड्रॉ करेंगे तो आपने देखना है कि टोटल कितने हैं इसमें काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आपके पास ये एट आ गए और दूसरी तरफ कितने आपके कॉलम्स हैं वन टू थ्री फोर तो टोटल हो गए फोर यानी कि थर्टी टू तो ये वाली आपकी रेक्टेंगल नहीं है ठीक है तो आपकी रेक्टेंगल कौन सी होगी जिसमें आपका क्या आया है फोर्टी आंसर्स आपका आया है

फोर हो गए तो सेवन फोरजार ट्वेंटी एट तो ये आपके कितने बॉक्सेस बन रहे हैं ट्वेंटी एट बॉक्सेस बन रहे हैं नाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस रेक्टेंगल आप ये रेक्टेंगल भी आप ड्रॉ कर सकती हैं ओके okay? अब आपने चेक करना है कि ये रेक्टेंगल में टोटल कितने बॉक्सेज हैं तो काउंट करें आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक तरफ आपके नाइन है नीचे की तरफ भी आपके नाइन ही थ्री है आपकी है ठीक है तो नाइन थ्री सा कितने बने ट्वेंटी सेवन तो आपका बिगेस्ट जो कौन सा हुआ आपका तो बिगेस्ट जो है वो आपका ये पर्पल वाला हुआ सो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द बिगेस्ट रेक्टेंगल आपने बिगेस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो काउंट करने हैं क्योंकि वही आपकी रेक्टेंगल बिगेस्ट होगी जिसमें आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो ज़्यादा होंगे सो दिस इज कंप्लीट पेज सिक्सटी टू You have to draw these figures on your book. Thank you.